साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पिम्स अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने मोहम्मद सफदर की हालत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जिसके बाद उन्हें पिम्स अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकल कर दिया गया। चंद रोज कबल कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अडियाला जेल में तबीयत बिगड़ गयी थी। जेल ज़राए के मुताबिक मैदे की गुंजाइश कम करवाने के लिए ऑपरेशन की वजह से कैप्टन सफदर को तकलीफ का सामना था और वो जो चीज़ खाते या पीते हैं उल्टी कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकल किया गया था। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी।